नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए हम नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर की जर्सी को मिली नई रिलीज डेट। आलिया भट्ट गंगूबाई कठियावाड़ी के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए बर्लिन रवाना। इंग्लैंड महिला सितंबर 2022 में 3 T20 3 ODI के लिए भारत की मेजबानी करेगी। कोहली के रन भारत के लिए बेहद अहम, अगरकर ने कहा। विराट कोहली अच्छी मानसिक स्थिति में है, वह ठीक हो जाएंगे, रोहित शर्मा ने कहा। खेल मंत्रालय ने सरकार को पूरी कीमत पर एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को मंजूरी दी। 16 फरवरी को टेरी के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में उद्घाटन भाषण देंगे पीएम मोदी। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार। राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा पर राजनीति नहीं करेगी आप, केजरीवाल ने कहा। IPS कला रामचंद्रन ने संभाली गुरुग्राम कमिश्नरेट की जिम्मेदारी, पहली बार महिला अफसर को कमान। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहरबल में 3 दिवसीय विंटर कार्निवाल शुरू। कर्नाटक में छात्रों ने बिना हिजाब पहने परीक्षा देने से किया इनकार। यूपी के किसी भी किसान को अगले 5 साल तक बिजली का बिल नहीं देना होगा, अमित शाह ने कहा। हेलीकॉप्टर को इजाजत न मिलने पर बोले CM चन्नी, क्या मुझसे फिरोजपुर का बदला ले रहे थे PM। बीजेपी शासन में मुस्लिम लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, पीएम मोदी कहे। चारा घोटाला मामला, 21 फरवरी को लालू प्रसाद यादव की सजा पर सुनवाई। सपा की सहयोगी अपना दल कमेरवादी को झटका, प्रदेश अध्यक्ष राजवंत सिंह बीजेपी में शामिल। कानपुर में अमित शाह का मेगा रोड शो, घर घर संपर्क के जरिए बीजेपी के लिए मांगे वोट। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस छोड़ी। कर्ज से मुक्त, अवसरों से भरपूर होगा नवा पंजाब, पीएम मोदी ने कहा। चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव को RIMS अस्पताल जाने की इजाजत, लेकिन पहले जाना होगा जेल। चुनाव तक बीजेपी गरीबों को देगी राशन, हम 5 साल देंगे गेहूं चावल के साथ मुफ्त घी, अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। WHO ने क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया। भारत अगले हफ्ते से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजेगा गेहूं की खेप। अफगानिस्तान की संपत्ति को मुक्त करने, प्रतिबंध समाप्त करने से तालिबान और उसके आतंकवादी सहयोगियों को वित्त पोषण समाप्त हो जाएगा, हुसैन हक्कानी ने कहा। अमेरिका ने यूक्रेन छोड़ने वाले अमेरिकियों के लिए पोलैंड में स्वागत केंद्र खोला। नौ में एक और गैंगरेप, 13 साल की दलित नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया, FIR दर्ज। असदुद्दीन ओवैसी है भगवान राम के वंशज, बीजेपी सांसद ने कहा। भगवंत मान पर सीएम चन्नी का तंज, वो 12वीं पास और उसमें भी 3 साल लगाए। हिजाब विवाद पर भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान में बनाए गए फर्जी अकाउंट, फैक्ट चेकर का कहना है। दाऊद इब्राहिम केस, ED ने एक शख्स को हिरासत में लिया, मुंबई दफ्तर में पूछताछ। संसद TV का YouTube चैनल किया गया हैक, स्कैमर्स ने नाम भी बदला। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने छात्रों से कहा, जरूरी ना हो तो स्वदेश लौट जाए। जयपुर में रीट पेपर लीक मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 24 फरवरी से शुरू होगी भारत श्रीलंका T20 सीरीज, लखनऊ में होगा भारत श्रीलंका का पहला T20, BCCI ने जारी किया नया शेड्यूल। 21वीं सदी की शांति व्यवस्था को प्रौद्योगिकी नवाचार के मजबूत पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाना चाहिए, भारत संयुक्त राष्ट्र में कहा। नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी में प्रावधान करें, सरकार को संसदीय समिति ने कहा। उत्तराखंड जीत रही कांग्रेस, धामी ने बचाई भाजपा का स्वाभिमान, हरीश रावत ने कहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर बना सेल्फी पॉइंट, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा व्यवस्था की उड़ाई धज्जियां। IPL की नीलामी हो चुकी है, सभी के लिए नीले रंग पर ध्यान देने का समय, रोहित शर्मा ने कहा। कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटे के अंदर 27,409 केस, 347 मरीजों ने तोड़ा दम। अफगानिस्तान के लिए फ्यूल ट्रांजिट लेन खोलेगा ईरान, अफगान राजनयिक ने कहा। AMU में हो रहे हिजाब विवाद पर UP सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह बोले, अपनी तनख्वाह से टिकट कटा दूंगा, चले जाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यूक्रेन रूस तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों से अस्थायी रूप से कीव छोड़ने को कहा। US ने यूक्रेन को $1 बिलियन तक की ऋण गारंटी की पेशकश की। पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी पर आयरलैंड के फैसले का मोदी सरकार ने स्वागत किया था, ओवैसी ने कहा। तेल कीमतों में उछाल, यूक्रेन संकट से सेंसेक्स 1,747 अंक गिरा। LIC के इतिहास में IPO बहुत सकारात्मक विकास होने जा रहा है, सीतारमण ने कहा। सेबी ने शीर्ष 500 कंपनियों के अध्यक्ष और MD की भूमिकाओं को अलग किया, स्वैच्छिक।
पंचायत आज तक में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पंजाब में कांग्रेस को 20 सीटें भी मिलना मुश्किल। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, राजीव गांधी मेरे दोस्त थे, राहुल गांधी और प्रियंका पर कुछ नहीं बोलूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, मैंने कभी बीजेपी के इशारे पर सरकार नहीं चलाई। भारत में पिछले 5 वर्षों में हेरोइन की जब्ती में 300% की वृद्धि देखी गई, एनसीबी डीजी ने कहा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा उतारने की तैयारी, लकी ड्रॉ के जरिए परमिट होगा जारी। ओला को टक्कर देने की कोशिश में आगे बढ़ रही ओकिनावा, एक और प्लांट में शुरू किया प्रोडक्शन। टाटा मोटर्स जल्द लॉन्च कर सकती है पेट्रोल सफारी और हैरियर, लीक हुई तस्वीरें। मारुति बलेनो 2022 में आ रहा है, 360 डिग्री व्यू कैमरा, कम जगह में आराम से पार्क कर सकेंगे कार। मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा जेल से रिहा। पापा आपके राज में कोई खुश नहीं रह सकता, लिखा 11वीं मंजिल से और कूद पड़ी फैशन डिजाइनर। गुरुग्राम में सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आए 4 युवकों की मौत। सीएम धामी के चुनावी क्षेत्र खटीमा में कांग्रेस बीजेपी समर्थकों के बीच बवाल, हुई फायरिंग। कानपुर में लड़की ने किया छेड़छाड़ का विरोध तो सिर पर बोतल से किया हमला। कानपुर रोड शो में अमित शाह बोले, अखिलेश सरकार में अपराधियों को मिल जाती थी जमानत। झांसी में रक्षा गलियारा परियोजना हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने में मदद करेगी, अमित शाह ने कहा। जैसी करनी वैसी भरनी, लालू के फैसले पर बीजेपी के गोपाल नारायण सिंह ने कहा। तेज प्रताप यादव ने बताया, अपनी जान को खतरा, वाई कैटेगरी सुरक्षा की मांग की। महिला विश्व कप विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में 1.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। आने वाले 10 से 12 सालों में कांग्रेस का भविष्य अंधकार में नजर आता है, अश्विनी कुमार ने कहा। अमेरिकी विदेश विभाग ने अफगानिस्तान पर ब्रिटेन के कार्यकारी आदेश की व्याख्या की, कहा कि कार्रवाई अफगान लोगों के साथ अमेरिका के संबंधों को प्रदर्शित करती है। अफगानिस्तान में कार्यवाहक रक्षा मंत्री का कहना है कि पिछली सरकार ने पाकिस्तान को डूरंड रेखा पार करने की अनुमति दी थी। भारतीय टेक फर्मों का संयुक्त राजस्व 2021-22 में $200 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। SBI ने रिटेल टर्म डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ाई, 10 से 15 BPS अधिक मिलेगा रिटर्न, लागू हुए नए रेट। असम में गुवाहाटी में बनेगा 1,000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया शिलान्यास। असम की स्पेशल चाय की रिकॉर्ड नीलामी, 1 किलो चाय 99,999 रुपए में बिक्री। इंडो पैसिफिक में चीन की गतिविधियां गंभीर पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन रही है। और आइए अब जानते हैं 16 फरवरी का क्या है इतिहास। 1918 में लुधियाना ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। 1927 में भारत और नेपाल के बीच पहली रेल सेवा शुरू हुई। 1931 में वायसराय लॉर्ड महात्मा गांधी से पहली बार मिले, यह घटना उस समय हुई जिसे अब हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। 1982 में कोलकाता में पहली बार जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सन 2003 में विश्व की पहली क्लोन भेड़ डोली को दया मृत्यु दी गई। तो ये थी अब तक की खास खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।